हैं और उससे भी पहले इस मंदिरों के शहर में नारकोटिक्स एनोनिमस के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, जितने उनके मेंबर्स हैं, और ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ पंजाब, इवन साउथ इंडिया से भी आए हैं। हम अपने जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आप सबको आपका स्वागत करते हैं। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, आज जब आपने भी नारकोटिक एनोनिमस शुरू किया होगा तो शायद एक सोच बनाकर कि एक वक्त आए कि हम पूरे भारतवर्ष को एक ड्रग फ्री जोन बनाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या बाकी विभिन्न रियासतों की पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री की फोर्सेस की बात करें, एनजीओज या चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें, या मेडिकल विभाग से जुड़े हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स की बात करें, हमारी इतनी पॉजिटिव सोच होने के बावजूद, इतने एफर्ट्स करने के बावजूद कहीं ना कहीं नशा बढ़ रहा है। ये बड़ा सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न सिविल सोसाइटी के सभी मेंबर्स का है। और जिस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया है जम्मू कश्मीर में, आपका जो तीन दिन का यहाँ पर एक्टिविटीज़ रहेगी, पिछले कल भी रही, आज भी है और कल भी रहेगी, मैं यही कहूँगा कि टीम जम्मू रोविक्स जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हज़ारों नौजवान इसके साथ जुड़े हैं और इसका गठन ही पहली प्रायोरिटी ही है कि वी विल इंश्योर जम्मू कश्मीर ड्रग फ्री जोन। और इसमें काफ़ी प्रयास जो कि दिन रात हमारे वॉलंटियर्स ने किए, काफ़ी नौजवानों को सही राह पर भी लाया, कई केसेस में रिलैप्स भी हमें देखने को मिला, अगेन वी वर्क हार्ड। और यहाँ पर अगर आप जम्मू की बात करें तो अफसोस से और कंसर्न से कहना पड़ता है, ये मेरी सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमने पंजाब को, जिसको आज से 7-8-10 साल पहले उड़ता पंजाब बनते देखा था, आज जम्मू भी उस चीज़ को सरपास कर गया है। ये हमारे लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ और विभिन्न जो विभाग हैं या एनजीओज हैं उनके साथ मिलकर हमारा दिन रात प्रयास है। हर तरीके से पुलिस का काम धरपकड़ का है जो बेचने वाला, लेकिन जो डिमांड किस तरीके से काम हो उसमें कहीं ना कहीं सभ्य समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है अवेयरनेस का, जिसमें हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं, ना सिर्फ शहरों में बल्कि जो गांव देहात और हिली बेल्ट हैं वहाँ तक हमारे मास अवेयरनेस कैंप्स चल रहे हैं। हम यही कहेंगे कि नारकोटिक एनोनिमस जिस तरीके से बीड़ा उठा के काम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके बैकग्राउंड कॉल में रहेंगे, जिस तरीके की भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू खिते में चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करें, एक ऐसी पॉजिटिविटी अपने यूथ में लाए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, चाहे पीयर प्रेशर है, व्हाटसोएवर, उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे और कैसे अपने यंग इंडिया को, जिसकी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर द यंग इंडियंस बिकॉज दे आर द यूथ, वो कहीं ना कहीं हम इसको जो हमारी जो अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरी एक सजेशन है कि हम इसको इंडिविजुअल फैमिली की बात करके तो ठीक कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, बट इसको अगर वाइडर परस्पेक्टिव में देखें तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इसमें रोल है। ऑलरेडी वो 40 साल की मिलिटेंसी यहाँ पर उसने कोशिश की, प्रयास की, लेकिन वो हर जगह पर विफल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जब वो टेररिज्म से हमें हरा नहीं पाए तो वो नेहरू को टेररिज्म की इजाद करके वहाँ से इस बार ये नशा भेज रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये फैला रहे हैं। हमें उस तरीके से भी सोचना पड़ेगा और इसमें मैं समझता हूँ कि नारकोटिक एनोनिमस का बहुत बड़ा एक प्रयास और रोल रह सकता है, क्योंकि जब हम इस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम उसको बड़े लेवल पर स्टडी नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप इस तरफ भी स्टडी वर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए, ताकि हम समाज को समझा सकें कि ये घर की कहानी नहीं है, ये बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी है जो हमारी राष्ट्रवादी सोच को कहीं ना कहीं वीक करने की, कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, जो होने नहीं देंगे। और अभी आप थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन आप देखेंगे कि किस तरीके से नारकोटिक एनोनिमस ने अभी तक का काम किया और क्या उनके आंकड़े कहते हैं और क्या उनके फ्यूचर प्लान है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस ड्रग्स की बीमारी से दूर करने में। धन्यवाद।